तो बुग्यालों की दुनिया से ना अब थोड़ा सा लो एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। स्वागत करते हैं आपका लो एल्टीट्यूड में। तो नीचे की तरफ बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रास्ता है दोस्तों, तो उसी एडवेंचरस रास्ते की तरफ आपको ले चलते हैं। तो पहले तो आएगा हमारा हरसिंह भेल पास, वो भी बहुत बड़ा चट्टान है। फिर कैसीनो टॉप, फिर आगे आगे को बताते रहेंगे जो जिस तरह से आएगा। तो चलते चलते आपको दिखाते हैं एक बार मौसम यहाँ का, माउंटेन में इस तरह का माहौल। बड़ा दिक्कत दोस्तों, माहौल मुश्किल से मुश्किल 5 मीटर। वो सामने में हल्का सा घर है, वो भी बड़ी मुश्किल से दिख रहा है, वो भी थोड़ा सा टॉप लगा तब, नहीं तो फिर जो विजिबिलिटी है ना बहुत ज़्यादा न्यून से भी न्यून स्तर पे पहुंच चुकी है अभी मेरे लिए कोतला में। और यार टाइम नहीं देखा भाई, कितने बजे निकल रहे हैं यहाँ से, 12 बजने वाला है, 11:59 हो रहे हैं, 12 बजे हम निकल चुके हैं समझो यहाँ से, 1 मिनट आगे। तो ये है हमारे यहाँ के रक्षक देवता, भूम्याल देवता है यहाँ पर कोतला में। यहाँ पर जब भी कीड़ा झाड़ वाले अभी आएंगे और बकरी वाले आएंगे ना, तो वो लोग यहाँ पर पूजा करके ही निकलेंगे। तो भूम्याल देवता का मंदिर है जिसमें 12 बार बटकुटे होते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनका मंदिर है। तो वही मैं बता रहा था आपको, विजिबिलिटी न्यून है भाई। अगर यहाँ पे गाड़ी चलाना होता ना तो सारे डिप्पर यूज करके और लाइट जला के, हेडलाइट जला के चलाना पड़ता आपको। ऐसा है, माउंटेन पास बन चुका है ये अभी के लिए, भयंकर वाला। पर देखते हैं कहीं रास्ता ना भटक जाऊँ ऐसे मौसम में। पर अब तो आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि बंदा रास्ता नहीं भटकेगा, चाहे कहीं से भी हो ना निकल के आ ही जाएगा। तो इतना तो आपको भी कॉन्फिडेंस हो ही गया होगा मेरी इतनी सारी हाई माउंटेन की वीडियो देखने के बाद, कि हर एक जगह के ना हर एक कदम कदम के रास्ते लगभग लगभग पता है मेरे को, यहाँ पर कहाँ से चलना है और कहाँ से निकलना है। तो सारी चीज़ें नोट कर रखे मैंने मेमोरी में ना, पूरा सेव कर रखा है, जब ज़रूरत पड़ती है तो एक एक पेज निकालते रहता हूँ मेमोरी में से और फिर यूज करते रहता हूँ। ये देखो, अगर इस तरह से रास्ता पता ना हो ना, यहाँ पर ना अब वी आई के नेटवर्क भी आने लग गया है। मैं दिखाता हूँ, 4G दिखा रहा है इसमें, हालांकि स्पीड क्या होगी वो तो पता नहीं, क्योंकि ज़्यादा यूज भी नहीं करना, खाली कॉल कर लेते हैं कि मैं शाम तक घर पहुंच जाऊंगा करके। तो यहाँ पर ना नेटवर्क की अच्छी खासी पहुंच है, वीआई का नेटवर्क खासकर अच्छा खासा काम कर लेता है यहाँ पर। तो घर को लगाते हैं कॉल और फिर दोस्तों बात करते हैं शाम के घर में। यहाँ पर ना पुष्कर सिंह हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो 1966 से यहाँ पे बकरियों के साथ रहे। अब तो पिछले साल से उन्होंने आना बंद कर दिया है क्योंकि उनकी एज हो चुकी है ना काफ़ी, तो आप समझ सकते हैं 1966 से अब तक काफ़ी समय हो गया था उनको। तो ये कोतला गेट है और लुरिया का गेट भी बोलते हैं इसको लोकल में, पर हम कोतला प्रवेश करते हैं तो हम कोतला गेट ही इसको बोलेंगे। और जो लोकल के लोग हैं ना उसको लुरिया का गेट का भी, मतलब हरसिंह था ना किसी आदमी का नाम, तो उसी के नाम से इस जगह का नाम हरसिंह भ्योल। यानी कि हमारे पहाड़ी में कुमाऊनी में ना हरवा को हरू, परवा परवीन को पर्रू, इस तरह से बोलते हैं ना, नरीन को नर्रू, तो इसी हिसाब से इसको हरू का भ्योल बोलते हैं। थोड़ा सा चट्टान टाइप का है, हालांकि बादल से ना कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है नीचे की एरिया, नहीं तो फिर ये पूरा चट्टान टाइप का है यहाँ नीचे से लेके उसका तक, कुछ इस तरह का है पूरा रॉक वाली एरिया। तो इसमें ना जब बारिश होती है तो थोड़ा सा खतरा बना रहता है पत्थर आने का, और साथ में
गिरने पड़ने का भी वही हुई, गिर ही गया था। ये देखो रास्ता, यहाँ से लेके पंखु टॉप झड़ पक्कू तक ना इसी तरह का रास्ता है भाई। पूरे रास्ते भर में इसी तरह का एडवेंचर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर ना लोगों का आवत जावत हाल ही में हुआ है, जब से ये कीड़ा जाड़ का आविष्कार हुआ यहाँ पे, उसके बाद ही लोग ज़्यादा आते, नहीं तो इससे पहले सिर्फ बकरी वाले लोग ही यहाँ पे आया करते थे। तो इसलिए रास्ता अभी भी उतना ठीक ठाक नहीं बना है, हो सकता है आने वाले समय में ना ट्रेकिंग रोड खुल जाए तो तब जाके बढ़िया रास्ता बन जाएगा यहाँ पर, तो तब चलने में भी दिक्कत नहीं होगी, पर है बढ़िया मज़ा आएगा। चंदनी देवता का मंदिर, और चंदनी देवता को माना जाता है ना, जब नंदा देवी के लिए कुंड की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो चलने वाले भगवान होते हैं, आगे से रास्ता दिखाने वाले, तो वो चंदनी देवता होते हैं। तो ऐसे यहाँ के मान्यता है अभी, क्योंकि ये वाला नाला भी ना बहुत डेंजरस वाला है, इसमें कभी भी पत्थर गिरने का डर रहता है। ऊपर से रास्ता इस तरह का है ना यहाँ पर कि भाई हाथ पांव टेक के चलना पड़ेगा, कुछ इस तरह का रास्ता है। और यहाँ पर थोड़े से जल्दबाजी भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में ना फिसलने के भी चांसेस होते हैं यहाँ पर। तो हम तो भाई आराम से ही निकलेंगे, भले ही पत्थर आता हुआ दिखे तो उसको हम देख लेंगे उसको, जैसे भी आएगा, पर हम जल्दबाजी में यहाँ से भागेंगे नहीं, क्योंकि रास्ता आप देख रहे हैं इस तरह का है, इसमें भाग के भी कहाँ जा पाओगे आप, भागने के लिए आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। एकदम भाई गुफा टाइप की बनी है, तो यहाँ पर ना धूप कम निकलते हैं इसलिए, नहीं तो यहाँ पर अब तक तो पिघल जानी चाहिए थी बर्फ को, पर साले पिघली नहीं है। रास्ते का तो हाल का बेहाल कर रखा है इसने। ऊपर से पत्थर आने वाली एरिया भयंकर ही कर रखा है यार। तो कोतला टॉप से जब नीचे को उतरते हैं ना भाई, उतरते समय पूरा रास्ता एडवेंचर से भरा हुआ है, पूरा एडवेंचरस रोड है, आपको एडवेंचर भी थ्रिल भी देखने को मिलेगा। पर यहाँ चलने के लिए ना आपको थोड़े से शॉर्ट ट्रैक करके चलने पड़ेंगे, छोटे छोटे कैंप करके, तो आप आसानी से यहाँ ट्रैक कर सकते हो। मैं सोच रहा था दोस्तों शॉर्ट जाने की यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ना ऊपर को बहुत खड़ी चढ़ाई है कैसीनो टॉप के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से शॉर्ट वाले रास्ते से निकलता हूँ। जरा दिखाना फिर ढूंढना कीड़ा जो कहाँ जा रहा है, कीड़ा मिल जाएगा। क्या बोल रहे यार, मेरे क्यों जा रहा सलाम। अच्छा ऐसे पीड़े रे यार महाराज। अच्छा तो ये मेरे जीजाजी हैं, ये मेरे को मिले हैं कोतला में, ये बुबू जी भी हैं हमारे, ये देखो। और बुबू जी बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ झूनी से अभी पहुँच गए तुम? हाँ पहुँच गए साहब। दोस्तों मैं उस शॉर्टकट पे पहुँच चुका हूँ जहाँ ना पिछली बार मेरा JBL गिर के बहुत नीचे तक चला गया था, फिर दोबारा मिला भी नहीं भाई मेरे को, क्योंकि यहाँ से नीचे उसे ढूंढने के लिए जाना भी मूर्खता थी, क्योंकि पूरा का पूरा चट्टान टाइप का है नीचे को, तो मैं ऐसे ही बजाते बजाते नीचे को आ रहा था तो ना हाथ से ऐसे फिसला छिटक के भाई नीचे ही चला गया, पता नहीं कहाँ गया, ढूंढने भी नहीं गया ना कभी जाएंगे, क्योंकि नीचे को ना बहुत बड़ा चट्टान टाइप का है, तो उसमें जाना है जंगली खतरे से खाली भी नहीं है। साग बनाते हैं इसका, और इसमें भी दो वैरायटियां होती है, मैं बताता हूँ आपको जो दो वैरायटियां हैं। जो ये वाला है ना ये मेल है, मेल वैरायटी है ये वाली, एकदम गोभी के फूल की तरह दिख रहा है, देखो ब्रोकली, जंगली ब्रोकली कह सकते हैं आप इसको, और ये वाली फीमेल है, तो ये बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत
कम मात्रा में, तो पूरे एरिया में ना बहुत ज़्यादा रोके की खेती है यहाँ पर। पुटपुटी आकार ले जा रहे हम सब्जी के कोतला से पंखो टॉप के बीच में, तो यहाँ पर भी ना स्थानिया भाई बैठ बैठ के जाना होता है यहाँ पर। और यहाँ से देखो ये इस तरह का रास्ता है, इधर से फिर यहाँ से जंप मार के ऐसे जाने वाला रास्ता, इसलिए इसको पुटपुटिया का धार बोलते हैं, पुटुक टाइप का। तो आगे आएगा हमारा नाग नागिन टॉप। तो आज ना बादल ने बड़ा बुरा हाल कर रखा है दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, उससे थोड़ा सा हल्का सा खुला टॉप है। जब कोतला के लिए बढ़ते हो ना आप, तो एकमात्र आपको बकरी वालों का जो छप्पर टाइप का मिलेगा, तो वो इसी जगह पे मिलता है। इस जगह का नाम है नागिन टॉप, नागिनी टॉप बोलते हैं यहाँ पर। तो ये है सामने में लकड़ी दिख रही है ना छोटी सी, तो यहाँ पर भी ना पानी की थोड़ी सी समस्या है, तो पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये वाला एकमात्र छप्पर जहाँ पर कि बकरी वाले रहते हैं। और तो हाँ, तो मैं बता रहा था पानी की ना पंखो टॉप से लेके कोतला तक भाई पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है इस एरिया में। तो जब आप कभी आते हैं तो पानी पंखो टॉप से रिजर्व करके ले आएँ, रास्ते में आपको ना बहुत मुश्किल होगी बिना पानी के। यदि आपके पास ऐसा गाइड नहीं है जिसको कि यहाँ पानी का पता हो, और यदि पता भी हो ना, तो पानी भाई मुश्किल हो जाती है, काफ़ी नीचे जाके मिलता है, अगर वो भी मौसम ठीक ठाक रहा तो। नहीं तो पता चला कि पानी सूख चुका है वहाँ, तो फिर वो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कभी चलते हैं तो पानी को ना, तो हम इस तरह की जगहों को ढूंढ के रखते हैं। ये एकदम बोल्डर के किनारे पर है, तो इसी पानी को पीते हुए सर्वाइव करते हुए नीचे ऊपर चलते हैं, क्योंकि हालांकि ये स्टोर पानी है पर ना प्यास बुझाने के लिए इसका सहारा तो लेना ही पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए आपके पास। तो इसी तरह के छोटे छोटे कुंड टाइप के, तो उसी में से पानी उठा के फिर पीते हैं। तो अब इसके बाद अगला डेस्टिनेशन रहेगा हमारा लकड़हारी। ये पीछे नाग नागिन टॉप था, अब इसके बाद आगे को रहेगा हमारा खुला है तो लकड़हारी टॉप। ये है सामने में नीचे वाला लकड़हारी, सामने में जो बड़ा मैदान दिख रहा है वो है पकवा टॉप, पकवा बुग्याल जिसको बोलते हो आप, तो वो एरिया है। अभी ना थोड़ा सा नेटवर्क काम कर रहा था तो मैं कॉल कर रहा था, पर इस एरिया में ना अभी बढ़िया मौसम पूरा खुला है, पंखो टॉप तक पूरा दिख रहा है दोस्तों यहाँ से।